नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ट्राइडन प्लाजा होटल के ओनर मिस्टर सतेन जैन। सतेन जी, TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैंने आज पहली दफ़ा आपके होटल में विज़िट किया है और बहुत अच्छी वाइब आ रही है मुझे। मैं देख रही हूँ कि लगातार आपका जो अंदर का मैनेजमेंट है वो किस तरीके से एक उनका ट्रीटमेंट है लोगों के साथ। पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सबसे पहले तो किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया लग्जरी होटल को आगे बढ़ाने। सो प्राइड होटल जो है 36 साल से हमारा ग्रुप वेरियस सिटीज़ पे लोकेशंस पे होटल रन कर रहा है। तो जब हम इस दिल्ली में आए थे तो हमने प्राइड प्लाजा नया ब्रांड शुरू किया है जो अभी कलकत्ता अहमदाबाद में भी चल रहा है। सो प्राइड हमेशा एक इंडियन हॉस्पिटैलिटी चेन है और इसमें आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ लॉट ऑफ इंडियन फूड, लोकल कल्चर, लोकल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड आर्ट, फूड, कल्चर, वो सब रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि मोस्टली हमारे गेस्ट इंडियन होते हैं। तो वी थॉट कि प्रोडक्ट भी इंडियन होना चाहिए इन दिस इंडस्ट्री जहाँ ज़्यादा करके इंटरनेशनल होटल पे। और हमने बहुत फूड पे ध्यान दिया है जिसमें हम नॉट ओनली इंडियन फूड बट ऑल्सो रीजनल ऑप्शंस देते हैं। हमारा नमस्कार से ग्रीटिंग होता है और इंडियन सेंट, इंडियन फूड, वो पूरा एक एक्सपीरियंस हम देते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से कल्चरल टच आप होटल में दे रहे हैं और प्लस जैसे हम जब बात करते हैं लोकल फॉर वोकल की, जब हम बात करते हैं हमारे कल्चर की, हमारी जो और हमारे कल्चर की एक स्पेशलिटी है कि इतने सारे रीजन्स हैं, इतने सारे रीजनल कुजींस हैं, लेकिन बहुत सारी होटल्स में वो मिसिंग है। आई मीन फाइव स्टार होटल्स में भी वो मिसिंग है। तो ये आपका आइडिया था कि ये सारी डिशेस को आप जो है इंक्लूड करें ट्राइडन प्लाजा के लिए, और कल्चर को किस तरीके से आप पोर्ट्रे करना चाहते हैं टू द वेस्टर्न होटल्स अगर मैं कहूँ तो। सी, बहुत सारे होटल चेन्स एक टाइप का रूम बना के हर जगह लगा देते हैं। तो आप होटल में रहते हो तो आपको पता नहीं आप कौन सी सिटी में हो। तो हम चाहते थे जब लोग यहाँ आए तो उन्हें लोकल सिटी ही उसका कल्चर एक्सपीरियंस हो। तो रूम में जो आर्ट है वो इंडियन इंस्पायर्ड है, लोकल सिटी से आसपास। देन हम इंडियन फूड के साथ, हमारे शेफ्स काफ़ी स्टडी करते हैं कि कौन से रीजनल फूड अवेलेबल है एंड वी गेट डिफरेंट कुजींस जो लोगों को एक्सपोज करते हैं और लोग अप्रिशिएट करते हैं। एब्सोल्युटली। और जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि आप खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपने MBA की डिग्री हासिल की है। तो क्या आप यंग जनरेशन को ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आप बिज़नेस भी शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप पढ़ाई करें उस सब्जेक्ट में? हाँ, थोड़ी पढ़ाई अच्छी करें, थोड़ा बाहर एक्सपीरियंस ले। मैंने भी कुछ साल बाहर कंसल्टेंट कंपनी में काम किया जब मैं CA कर रहा था। तो एक्सपीरियंस बाहर लेके और फिर थोड़ा एक्सपीरियंस लेके बिजनेस खोलना ठीक रहेगा क्योंकि बिजनेस में आप एक फंक्शन से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो राइट फ्रॉम HR टू मार्केटिंग टू सेल्स, सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। और अगर आप स्टार्टअप हो तो आपको ये सब चीज़ों का थोड़ा एक्सपोजर होना चाहिए। जैसे हमने पैंडमिक की बात करी तो इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा मुद्दा है और हर चीज़ पर हम, चाहे व्हीकल से लेके हर जगह हम इको फ्रेंडली चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि होटल्स में भी ये बहुत ज़रूरी है। तो ग्लोबल वार्मिंग को मद्देनज़र रखते हुए क्या आपने चीज़ें शुरू करी हैं? अगर प्राइड में एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए, जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने e-chargers, बैटरी चार्जर्स हमारे काफ़ी होटल्स में, सब मेट्रोज और बड़ी सिटीज़ में लगा दिया है। इसी होटल में अभी वाटर बॉटलिंग प्लांट लगाया है जिससे हम प्लास्टिक को कट कर सके। हमारे शैम्पू और एमिनिटीज़ के जो बॉटल्स थे वो भी काफ़ी प्लास्टिक वेस्ट क्रिएट करते थे, तो अभी उनको हटा के सब डिस्पेंसर्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बड़ा मुद्दा है और कहते हैं कि
बहुत सारी चीज़ें इस पर लेकर कि एआई अगर आएगा तो लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, चीज़ें हो जाएंगी। इवन अगर होटल स्टाफ की हम बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलता है कि जो वेटर्स हैं उन्हें एआई ने रिप्लेस किया है। तो इस पूरी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो आप क्या इसे अपनी होटल में कभी अडाप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं? सो हमने एआई यूज़ करना शुरू किया है। पहली बात तो मेरे हिसाब से इससे कोई जॉब्स नहीं जाएंगी, थोड़ी चेंज हो सकती है। इसमें क्या होगा, जैसे हमने अभी खुद का एक होटल में प्राइड जीनी ऐप क्रिएट किया है जिसमें हमारी सारी एसओपीज और प्रोसेसेस हमने उसमें डाल दिया है, तो कोई भी ही हमारा एम्प्लॉय उसमें कोई भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकता है और उससे वही लैंग्वेज में हमारी एसओपी के हिसाब से करेक्ट आंसर मिल जाएंगे। वाइस वर्ड सत्येन जी, अगर मैं प्राइड होटल की बात करूं तो ऐसी कौन सी तीन चीज़ें होंगी जो आप कहेंगे जो बाकी होटल से प्राइड होटल को अलग बनाती हैं, बेहतर बनाती हैं? सी पहली चीज़ तो हमारे होटल में कस्टमर को कभी ना नहीं बोलते हैं। जो भी रिक्वेस्ट आता है होटल में तो वी ट्राई टू अकोमोडेट, जैसे घर का फूड हो या एनी अदर रिक्वेस्ट विच इज़ ऑफ द मेनू, उस टाइप से वी ट्राई टू टेक केयर एंड गिव टू द गेस्ट। इसके अलावा हम लोग एक इंडियन हॉस्पिटैलिटी चेन है, तो इंडियन कस्टमर की जो माइंडसेट है और जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसका बहुत खास ध्यान रखा गया है इन कस्टमर को देने के लिए। इसके अलावा हम लोग इंश्योर करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है अच्छी लोकेशन और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हमारे कस्टमर्स को मिले। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्राइड होटल ग्रुप के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्दर्न रीजन मोहम्मद शोएब जी। मोहम्मद जी, टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड टॉकिंग टू अस। जब मैं आपका इंटरव्यू करने आ रही थी उससे पहले मुझे एक दो लोग मिले लॉबी में और उन्होंने बताया कि ये तो बड़े एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में रहे हुए हैं। और मैंने उनसे पूछा कि कितने साल का एक्सपीरियंस, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उन्होंने कहा आई थिंक मोर देन 30 इयर्स। तो सबसे पहले आपसे मैं शुरू करना चाहूँगी कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कितना एक्सपीरियंस है आपको और कब आपने इसकी शुरुआत की? सो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इस 21 अगस्त को आई कम्प्लीट 36 ईयर्स इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इन दिस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि प्राइड ग्रुप के साथ आप तकरीबन 4-5 साल से हैं और साढ़े पाँच साल से हैं और आप इनका नॉर्दर्न रीजन देख रहे हैं और इस वक्त भी हम दिल्ली के प्राइड होटल में मौजूद हैं, तो इन 5 सालों में प्राइड होटल को किस तरीके से बढ़ते हुए देखा है आपने और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइड होटल को कंपेरेटिवली अभी एरोसिटी की बाकी होटल से डिफरेंट बनाती हैं? जी देखिए, जैसा मैंने कहा कि काफ़ी वक्त मुझे हॉस्पिटैलिटी में हुआ है और ऐसा मेरा सौभाग्य है कि मेरा ये दूसरा इनिंग्स है प्राइड के साथ। जब प्राइड के सिर्फ दो होटल थे, पुणे और नागपुर, तो ईयर 2000 to 2003 आई वॉज द फ्रंट ऑफिस मैनेजर एज वेल एज रूम्स डिविजन मैनेजर एट प्राइड होटल नागपुर। तो मैंने कंपनी को उस वक्त भी देखा है और अब जब मैंने 5.5 साल पहले अपनी सेकेंड इनिंग की शुरुआत प्राइड प्लाजा एरोसिटी से की, जो कि हमारा एक फ्लैगशिप प्रॉपर्टी है प्राइड ग्रुप ऑफ होटल्स का, ये 385 रूम्स का फुल सर्विस 5-स्टार होटल है विद लार्ज बैंकवेटिंग वैरायटी ऑफ रूम, यू कैन सी देर आर 4 रेस्टोरेंट्स एंड स्विमिंग पूल, जिमनेजियम। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कंप्लीट होटल है। एज फार एज द एक्सपेंशन प्लान इन नॉर्थ इंडिया इज़ कंसर्न, वी करंटली हैव होटल्स इन मसूरी, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, हल्द्वानी, जयपुर, बट हमारे बहुत सारे होटल लाइन से आने वाले हैं आने वाले वक्त में। तो अमृतसर में एक बहुत सुंदर होटल बन रहा है, देहरादून में हम दो होटल्स की हमारी बात हो रही है जो खुलेंगे, इसी तरीके से कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक 5-स्टार होटल 5 एकड़ में मिस्टर हैप्पी सिंह के साथ आ रहा है, जो कि ऑलरेडी हमारे साथ प्राइड बिजनेस होटल खोल चुके हैं। उनका अभी एक नैनीताल में होटल खुलने वाला है सीजन में, अभी अक्टूबर नवंबर में, प्लस हल्द्वानी में एक और 5-स्टार होटल प्लान्ड है। इसके अलावा कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव,
याद भी नहीं है कितने सारे जैसे आप खुलेंगे, बहुत सारे होटल खुले। जैसे आपने आप नॉर्दर्न रीजन को हेड करते हैं और आपने आने वाले भी कई प्रोजेक्ट्स की बात करी है, तो जब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो आपने अभी जिक्र किया था इंटरव्यू से पहले कि कश्मीर में भी आप जो है अपना प्राइड ग्रुप का होटल लेकर आने वाले हैं। कश्मीर हमारे देश का एक बहुत सुंदर हिस्सा है और मैं बहुत मुझे बहुत लगाव है कश्मीर से पर्सनली, क्योंकि बहुत सुंदर है और हमारे देश का एक बहुत खूबसूरत एरिया है जहाँ पे मुझे लगता है होटल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। हम कम से कम श्रीनगर में ही करीब करीब 3 होटल्स की बात हमारी चल रही है, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा देखिए इतना अच्छा वेदर है और मिलियंस ऑफ पीपल आर गोइंग टू कश्मीर नाउ, तो बड़ा फोकस है कश्मीर के ऊपर हमारा। प्लस ये जो फीडर सिटीज़ हैं, जो दूसरे खूबसूरत शहर हैं वहाँ पर, इनफैक्ट इस बार मैं गुरेज वैली भी गया था। हालांकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो भी ग्रो करेगा, बहुत ही सुंदर है। गुरेज वैली, तुलैल वैली मैं गया था, तो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, खूब ट्रैवल कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम एक तिरुपति में भी प्लान कर रहे हैं। अच्छा। तो हम फेथ लोकेशन में हैं हर जगह कश्मीर से। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि हाल ही में मैंने जैसे बताया कि मैं होकर आई हूँ और मैं श्रीनगर, पहलगाम, तमाम जगह रुकी हूँ और मोस्टली 5-स्टार प्रॉपर्टीज, स्पेशली IITC की प्रॉपर्टीज़ में मैं रुकी हूँ, लेकिन वहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करना होता है वो होता है हॉस्पिटैलिटी सर्विस। मतलब आप कॉस्ट उतनी दे रहे हो, लोकेशन बहुत सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन इन हाउस जो हॉस्पिटैलिटी है वो एवरेज है। तो मुझे लगता है क्या प्राइड ग्रुप उसको चेंज करेगा? देखिए, प्राइड ग्रुप की खास बात ये है कि वी वर्क एंड टच ऑल द सेंसेस, 5 सेंसेस ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। तो वो टच हो, फील हो, फ्रेग्रेंस हो, इंडियन खाना हो। तो प्राइड की एक जो बात सबसे अलग और या जुदा है वो ये है कि इंडियननेस है, वी एग्ज्यूड इंडियननेस। खाने में हमारे यहाँ इंडियन प्रभाव मिलेगा। आप पूरे होटल में, अगर यहाँ दिल्ली में भी, एरोसिटी में देखेंगे, आप आर्ट वर्क देख सकते हैं, उधर सारे होटल में इंडियन आर्ट वर्क्स हैं। तो हम इंडियननेस को प्रमोट करते हैं और हमारे कल्चर में भी इंडियननेस है, हमारा सैल्यूटेशन भी नमस्कार है। तो कुल मिला के हमें जो सब लोगों से अलग करता है वो एक वार्म्थ और एक हॉस्पिटैलिटी और एक होमली एटमॉस्फियर, प्रोफेशनल बट वेरी होमली एटमॉस्फियर। तो इसीलिए हमारे होटल का जो गेस्ट सेटिस्फैक्शन इंडेक्स है वो 94 and above है आउट ऑफ 100, जो कि काफ़ी कमेंडेबल है। वी आर सराउंडेड बाई सो मेनी इंटरनेशनल होटल, बट प्राइड मेक्स इज प्रेजेंट फेल्ट इन एरोसिटी बाई डूइंग एक्सेलेंट बिजनेस। आपसे ये सवाल करना मेरे लिए लाजमी हो जाएगा कि जब हम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये शब्द से बहुत सारे लोग अनजान हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी तरह कोई प्रोफेशनल ही इसे अच्छी तरह से समझा पाएगा और आप बाकी जो होटल्स हैं उनके, अगेन मैं बार बार, मुझे कंपैरिजन करना पड़ रहा है, लेकिन उनके उसमें प्राइड होटल फिर कितना अलग। देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए नई चीज़ नहीं है, हमारे ग्रुप के लिए नई चीज़ नहीं है। हर होटल को इंस्ट्रक्शन है, हमारे देश में जितने भी होटल हैं उनके जनरल मैनेजर को इंस्ट्रक्शन है, उनको बजट्स दिए गए हैं कि अगर हम, इफ़ यू आर मेकिंग मनी, वी नीड टू डू जस्टिस टू द सोसाइटी ऑल्सो, द पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड, वी फील फॉर देम। इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरी जनरल मैनेजर पैन इंडिया टू हैव वन बिग एक्टिविटी इन ए मंथ फॉर द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन और एनी अंडर प्रिविलेज पीपल। एंड CSR एक्टिविटीज़ का प्रॉपर एक कैलेंडर बनता है, उनको बजट एलोकेट होते हैं। इसके अलावा ये बहुत अहम है कि आप लोगों की दुआएँ लेते जाएँ। मुझे अपने तमाम सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं और कुछ और तो मुझे लगता नहीं है कि बचता है, क्योंकि आपने अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ साझा किया है। एक मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, वो ये है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मैनेजमेंट स्टूडेंट बनते हैं, कुछ होटल मैनेजमेंट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जैसा आपने मुझसे पहले भी कहा था कि आपने 12th के बाद से ही मैनेजमेंट आप फील्ड में आ गए हैं, तो उन बच्चों को जो होटल मैनेजमेंट में आना चाहते हैं आप उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि उन बच्चों के लिए हम क्या करते हैं बताना ज़रूरी है आपको। पिछले साल ही ड्रीम प्रोग्राम स्टार्ट किया है हमने यंगस्टर्स के लिए और हम पैन इंडिया होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस में जाके प्लेसमेंट करते हैं एज ए प्राइड ग्रुप ऑफ होटल्स,
और हम यंग टैलेंट को होटल ऑपरेशनल ट्रेनिंग और होटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग के प्रोग्राम में एनरोल करते हैं। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के हम लोग मेरा क्या कहना है, तो किसी भी इंडस्ट्री में सबसे ज़रूरी है पैशन होना। अगर आपके पास पैशन नहीं है तो यू विल नेवर एक्सेल। हार्ड वर्क, इंटीग्रिटी, टेनेसिटी, परस्यूवरेंस एंड पेशेंस आर द की टू सक्सेस। इस वक्त है हमारे साथ प्राइड ग्रुप होटल के कॉरपोरेट शेफ शैलेन सिंह। शैलेन जी, टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? बढ़िया, आई एम वेरी गुड। और आपकी होटल में आने के बाद मैं और ज़्यादा खुश हो गई हूँ। बहुत अच्छा इंटीरियर है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आई थिंक कि सारा क्रेडिट आपको ही जाता है। मैम मैं तो कुछ भी नहीं करता, मेरी टीम करती है। एंड प्राइड होटल्स, प्राइड ग्रुप ऑफ होटल्स टीम पे बहुत बिलीव करते हैं। हम लोग इंडियन बेस्ड होटल हैं, इंडियन क्विजींस पे ज़्यादा महारत हासिल करते हैं। हमने बहुत सारे रीजनल क्विजीन को अपने प्रमोट किया हुआ है। हमारा इंडियन खाना प्राइड एरो सिटी दिल्ली में टॉप ऑफ द टाउन है। अब जैसे आपने इंडियन खाने का जिक्र किया, रीजनल क्विजींस का जिक्र किया, तो आपकी क्या स्पेशलिटी है? मैम मैं अवधि का शेफ हूँ, साथ में मुझे वेस्टर्न क्विजीन, इटालियन और यूरोपियन भी आता है। तो कभी कभार हम फ्यूज़न करते हैं यूरोपियन और अवधि क्विजीन के साथ, और कुछ एरोमास तो ऐसे निकल के आते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आपको भी ट्राई कराएंगे। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा मुझे ये जानना था, ये पर्सनल मेरा वो है कि जैसे मान लो फॉरेनर्स अगर आ रहे हैं आपके रेस्टोरेंट और वो इंडियन कुजीन खाने के बाद कहते हैं कि अब हमें यही खिलाइए, या तो आप अपनी अवधि डिशेस खिलाइए या कोई और डिशेस खिलाइए, ये कितनी दफ़ा हो चुका है आपके साथ? मैम हमारे पास जो भी हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, गेस्ट हैं, जो लॉन्ग स्टेइंग्स हैं, वो हमारे अवधि रेस्टोरेंट्स के वजह से ही हमारे पास रुकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आपका खाना वन ऑफ द बेस्ट है। हमारे यहाँ बगल के जो इंटरनेशनल ब्रांड होटल्स है वहाँ से भी लोग ट्रेवल करके आते हैं, हमारे साथ डिनर करते हैं यहाँ पर इंडियन खाने के लिए। जी लवली। अच्छा एक चीज़ है, ये मैं सारी पब्लिक डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ कि जब भी कहते हैं कि हम 5-स्टार होटल में लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट के लिए आ रहे हैं, ब्रेकफास्ट तो चलिए मैंने हटा दिया, लंच या डिनर के लिए आ रहे हैं, तो पोर्शन साइज बहुत मैटर करता है ना? जितनी वो कॉस्ट दे रहे हैं उस हिसाब से जब वो पोर्शन की बात करते हैं, तो ये बड़ा मीम पेज में जो है सबसे ज़्यादा कॉन्टेंट है इस चीज़ का। तो आप पोर्शन साइज के बारे में क्या कहेंगे? मैम हम लोग ने जिस जगह से पढ़ाई करी और जिन होटल्स में ट्रेनिंग करी है, वहाँ डे वन से एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि आपका पोर्शन साइज़ ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई 5-कोर्स मील खाए तो वो 5 कोर्स को अच्छे से इंजॉय कर सके। अगर आप बुफे ले रहे हैं तो हमारे बुफे में 150 प्लस आइटम्स होती हैं, और अगर आप ज़्यादा लेते हैं प्लेट में तो आप टेस्ट नहीं कर पाते हैं, आधी चीज़ें रह जाती हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं मेन्यू 1 आउंस पोर्शन साइज़ रखते हैं, छोटे पोर्शन साइज रखते हैं, सो दैट वी हैव मोर ऑप्शंस टू ईट एंड एक्सप्लोर मच। इंडियन क्विजींस की बात करें तो आपको लगता है एज अ शेफ जो सेटिस्फैक्शन इंडियन क्विजीन बनाने में आता है वो बाकी क्विजीन में इतना नहीं आता, या इंडियन क्विजीन टफ होती है बाकी क्विजीन से बनाने में, क्या है ये? मैम सारी क्विजींस का अलग अलग चार्म है। हम लोग इंडियन हैं, हमें मसालों से खेलना और उनका जो एक्चुअल टेस्ट है उनको रिलीज करना बहुत मज़ा आता है। मैं वेल ट्रेवल्ड शेफ हूँ, मैं ऑलमोस्ट टिल नाउ 28 कंट्रीज़ में ट्रेवल कर चुका हूँ, और हम यूरोप लंदन में भी थे तो भी हम घर में अगर हमें खाना खाना होता तो बेसिक दाल चावल बना के खाते थे। जो वो हल्दी का टेस्ट है, जो फ्रेश कोरिएंडर, जिंजर, गार्लिक, जो मैलगेशन है, वो इतना आउटस्टैंडिंग है हमारे इंडियन क्विजीन में जो अदर क्विजींस यूरोपियंस हैं उन क्विजींस में नहीं है। अगर मैं मसाले और स्पाइस मिक्स और हर्ब्स जैसे कि मिंट, कोरिएंडर और इन सब की बात करता हूँ, तो इनकी सबकी अपनी अपनी मेडिसिनल न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं जो हमारे खाने में जाने के बाद हमारे बॉडी में जाती हैं, विच फ्यू ऑफ द इंटरनेशनल क्विजिन डजंट हैव। एक और चीज़ सत्येन जी की, जो शेफ का जो एक जॉब है या शेफ का जो रोल है, आजकल की यूथ को ये बहुत एक्साइट करता है, बहुत सारे लोग शेफ बनना चाहते हैं, तो यू बीइंग द मास्टर ऑफ इट, आप इस यूथ को क्या कहेंगे? मैं कहूँगा ये जॉब बहुत डिमांडिंग है, आपको बहुत सारा पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत सारे नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं आई हैव ऑलमोस्ट 22 ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, बट मैं अगर क्विजीन और खाने की बात करूँ तो मैं अभी समझता हूँ कि मेरे को
0.001% भी पूरा नहीं आता है, तो स्टिल आई हैव टू गो। आप मॉडेस्ट आंसर दे रहे हैं या 100%? आपको ऐसा कोई दुनिया का शेफ नहीं मिलेगा जो ये कहेगा मुझे 85% अबव नॉलेज है चीज़ों का। जी, जी, जी। तो हम तो अभी बहुत छोटे हैं जी। एंड यंग टीम्स को मैं यही कहना चाहूँगा, हैव पेशेंस, वर्क हार्ड, एवरीथिंग कम्स ऑन द टाइम। आपके लिए ऊपर वाले ने कुछ ऐसा प्लान कर रखा है जो सिर्फ आपके लिए है। आएगा ही आएगा जी। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे इस पेशेंस को लेके कि कस्टमर्स, उनके नखरे प्लस आपके ओनर्स की डिमांड्स, आपसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन होता है एक शेफ़ पे, तो उस बीच में एक तो मेंटल बैलेंस करना और चीज़ें उसी क्वालिटी से डिलीवर करना, ये कितना मुश्किल काम है और आप इसे कितनी आसानी से कर लेते हैं? मैम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है कि हम गेस्ट से बात करते हैं और हम उसको सिर्फ ये पूछते हैं कि सर वेज खाएंगे या नॉन वेज खाएंगे, आप लो स्पाइस खाते हैं, मीडियम खाते हैं, हाई, वो दो में जिन दोनों का एक एक आंसर देता है और हम उसके हिसाब से खाना बनाते हैं और हम लोग 99% एक्यूरेसी होती है हमारी। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके एक्सपीरियंस से आपको आता है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू TV9 भारतवर्ष एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और हम उम्मीद करते हैं अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू ऑल्सो हम आपके हाथ का खाना खाने आते रहे। प्लीज़ प्लीज़, शुक्रिया। थैंक यू।